हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स नोटबुक के यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम अकाउंटेंसी कोर्स की फोर्थ वीडियो को डिस्कस करने जा रहे हैं। इस फोर्थ वीडियो में हम पढ़ेंगे इनकम स्टेटमेंट्स के बारे में, और स्पेसिफिकली हम इनकम स्टेटमेंट के कंपोनेंट्स को पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम इनकम स्टेटमेंट के पहले कंपोनेंट ट्रेडिंग अकाउंट को पढ़ेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। ये जो दोस्तों अकाउंटेंसी का कोर्स है, ये आपका मार्कफेड, PSPCL, रेवेन्यू अकाउंटेंट, असिस्टेंट अकाउंटेंट, इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहले हम वीडियो कोर्स को ख़त्म करेंगे, उसके बाद इंपॉर्टेंट MCQs को करेंगे। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मीनिंग जान लेते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल ईयर के एंड में बनती हैं, यानी अगर हमें पता है कि जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो किसी भी साल के 1 अप्रैल से स्टार्ट हो गए नेक्स्ट साल के 31 मार्च तक का चलता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होती हैं, जो फाइनल अकाउंट्स होते हैं, वो हम फाइनेंशियल ईयर के एंड में बनाते हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं, जो NSE BSE में लिस्टेड कंपनीज़ होती हैं, वो अपना क्वार्टरली रिजल्ट्स भी निकालती हैं। तो हमें जो है हर 3 महीने में एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अपडेट मिलती रहती है, और ये जो हमें इन्हें क्वार्टरली रिजल्ट्स कहते हैं, ये क्वार्टरली रिजल्ट्स हमें हर 3 महीने में मिलते हैं, और लास्ट में जो 31 मार्च के अकाउंट्स होते हैं उन्हें हम फाइनल अकाउंट्स कहते हैं। अब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं उनके कंपोनेंट्स को जान लेते हैं। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, कंपनी जो होती है वो अपना एक ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करती है, और इस ट्रायल बैलेंस के बाद इससे P&L स्टेटमेंट यानी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, और उसके बाद बैलेंस शीट तैयार की जाती है। और जो लास्ट कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, नोट्स अकंपनिंग द बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स। अगर आपने कभी किसी लिस्टेड कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ा होगा तो वहाँ पे आप देखोगे कि एक हमारी उनकी P&L स्टेटमेंट दी होती है, उसके बाद बैलेंस शीट दी होती है, और उसके बाद नोट्स दिए होते हैं। जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो कंपनी के अकाउंटेंट्स होते हैं, वो वहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं कि जो भी कंपोनेंट्स हैं बैलेंस शीट में, जो भी कंपोनेंट है P&L स्टेटमेंट में, उन्हें थरली एक्सप्लेन किया जाता है। और ये जो अकाउंट्स होते हैं, जो बैलेंस शीट और P&L स्टेटमेंट्स के जो आइटम्स होती हैं, ये कहाँ से निकलती हैं, ये हमारी निकलती हैं ट्रायल बैलेंस से। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, उन दोनों में क्या मीनिंग होता है, क्या इनका डिफरेंस होता है। सबसे पहले मीनिंग को पढ़ लेते हैं। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर का मीनिंग क्या होता है कि इट इज़ दैट अमाउंट स्पेंड अपॉन दी मोर वैल्यूएबल गुड्स और सर्विसेज विच इज़ यूज्ड फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। अब जैसे अगर कंपनी ने लैंड परचेज की, कंपनी ने कोई एसेट परचेज किया है, जो कंपनी प्लान कर रही है कि ये लंबे समय के लिए इसे यूज़ करेगी, तो जो भी उस आइटम पे एक्सपेंडिचर होता है उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। अब दूसरी तरफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज़ द अमाउंट स्पेंड ऑन मोर गुड्स और सर्विसेज विच इज़ यूज्ड और कंज्यूम्ड इन ए शॉर्ट ड्यूरेशन। अब जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो हम उसे कहते हैं जो आइटम्स 1 साल से कम ड्यूरेशन के लिए यूज़ होती हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जो लॉन्ग ड्यूरेशन होता है वो जनरली ग्रेटर देन 1 ईयर होता है, जो लॉन्ग ड्यूरेशन होगा वो ग्रेटर देन 1 ईयर होगा, और जो शॉर्ट ड्यूरेशन होगा वो लेस देन वन ईयर। इसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में काउंट करेंगे क्योंकि ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होगा। जो ईयर ऑफ बेनिफिट होगा, we will derive the benefit from this expenditure in the current year as well as in the future year also. अब क्या होता है कि जैसे जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उसका बेनिफिट कंपनी को काफ़ी सालों तक मिलना होता है, तो उसका जो एक्सपेंडिचर होता है वो 1 साल के साथ साथ बाकी ये जो उसकी यूज़फुल लाइफ होती है उसमें डिवाइड कर दिया जाता है। अब जैसे डेप्रिसिएशन है, अगर कार खरीदी है कंपनी ने 10 सालों के लिए, तो उसकी डेप्रिसिएशन हम एक ही बार में नहीं लगाते हैं, हम क्या करते हैं कि एक कोई परसेंटेज लेते हैं, कोई भी मेथड कंपनी अडॉप्ट करती है और इवनली उसे डिवाइड कर देती है, या जो भी कोई मेथड उसके अकॉर्डिंगली उसे 10 साल के लिए कंपनी उस एक्सपेंस को डिवाइड कर देती है और हर साल अपने जो प्रॉफिट में से उसे सब्ट्रैक्ट करती रहती है। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या होता है कि वी विल ड्राइव द बेनिफिट फ्रॉम दिस एक्सपेंडिचर इन द करंट ईयर ओनली, हम जो है जो बेनिफिट होता है वो इसी साल लेंगे, तो जो भी उसकी जो एंट्री होगी वो इसी साल पड़ेगी और इसी साल में वो डिडक्ट हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से।
अब इसकी थर्ड नंबर पे क्या है, ड्यूरेशन। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर हैज़ अ ड्यूरेशन ऑफ मोर देन वन ईयर। हमने अभी पढ़ा कि जो लॉन्ग ड्यूरेशन होती है, और लॉन्ग ड्यूरेशन हमेशा एक साल से ज़्यादा की होती है, और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, या अप टू वन ईयर का होता है, या वन ईयर से लेस का होता है। आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उसकी जो एंट्री होती है वो हम कहाँ पर डालते हैं, उसकी जो हम ट्रीटमेंट करते हैं वो बैलेंस शीट पर करते हैं, और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है उसकी ट्रीटमेंट हम कहाँ पे करते हैं, उसकी ट्रीटमेंट हम करते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब कैपिटलाइज्ड यानी ये एक्सपेंडिचर जो होते हैं उन्हें कैपिटलाइज्ड किया जाता है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को हम कैपिटलाइज नहीं करते हैं। अब इनका नेचर क्या होता है कि ये नॉन रिकरिंग इन नेचर होती हैं। नॉन रिकरिंग मतलब अगर कंपनी ने रेगुलरली तो इन्हें परचेज करना नहीं होता, एक ही बार परचेज कर लिया। जैसे अगर कंपनी ने बिल्डिंग खरीदी है अपने प्रीमाइसिस के लिए, तो जब तक कंपनी एक्सपेंड नहीं करेगी तो तब तक ये जो है एक ही एक्सपेंस होगा, ये ताकि ये नॉन रिकरिंग एक्सपेंस हम इसे कहेंगे। और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा वो क्या होगा, वो रिकरिंग इन नेचर होगा, यानी एक साल में कंपनी हो सकता है कि उस एक्सपेंस को बार बार करे, काफ़ी बार उस एक्सपेंस को इनकर कर सकती है। अब इसकी नीड क्या है, इसकी नीड है कि टू इम्प्रूव द वर्किंग कैपेसिटी और टू ग्रो द बिजनेस। अब कंपनी किसी एसेट को परचेज क्यों करेगी, कंपनी किसी एसेट को परचेज इसलिए करेगी क्योंकि कंपनी का एक लॉन्ग टर्म विजन होगा, कंपनी का एक इन्वेस्टमेंट प्लान होगा, उस इन्वेस्टमेंट प्लान के अकॉर्डिंग कंपनी अपने जो एक्सपेंसेस हैं उनको प्लान करेगी, अपने इन्वेस्टमेंट्स को प्लान करेगी, और अपनी वर्किंग कैपेसिटी को और बिजनेस को एक्सपेंड करने की कोशिश करेगी कैपिटल एक्सपेंडिचर के थ्रू। और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा वो कंपनी क्यों इनकर करती है, ताकि जो डेली डे टू डे फंक्शनिंग है वो प्रॉपरली प्रॉपर तरीके से हो सके। मैचिंग कॉन्सेप्ट। अब ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं इन्हें हम मैच नहीं करते हैं, इन्हें हम कैपिटल रिसीट से मैच नहीं करते हैं, और लेकिन जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है उन्हें इस साल के रेवेन्यू रिसीट्स के साथ मैच किया जाता है, क्योंकि मैचिंग कॉन्सेप्ट में ये एक साल से कम के होते हैं तो जो रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं उनसे ये मैच किया जाता है। अब इसके सब कैटेगरीज, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है इसके कोई भी सब कैटेगरीज नहीं होती हैं, लेकिन जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है इसकी दो सब कैटेगरीज होती हैं। पहली क्या है, हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और दूसरी क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब इसी के साथ साथ हम पढ़ लेते हैं कि कैपिटल रिसीट्स और रेवेन्यू रिसीट्स में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले मीनिंग की, जो कैपिटल रिसीट्स होती हैं वो इनकम होती हैं फ्रॉम नॉन रिकरिंग स्ट्रीम्स, नॉन यूजुअल ऑपरेशंस। जो भी नॉन यूजुअल ऑपरेशंस होते हैं उनसे जो इनकम आती है उन्हें कैपिटल रिसीट्स कहा जाता है। अब अगर सिंपल भाषा में इसकी डेफिनेशन को हम पढ़ते हैं तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी कि द कैपिटल रिसीट्स आर द अमाउंट रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस, लोन रिसीव्ड एंड सेल प्रोसीड्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। जो फिक्स्ड एसेट्स की जो सेल से हम जो पैसे रिसीव करते हैं उन्हें हम कैपिटल रिसीट्स में कहते हैं। और जो रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं दीज आर द इनकम दैट इज़ अर्न फ्रॉम डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। ये जो डे टू डे ऑपरेशंस होती हैं, डे टू डे सेल्स होती हैं, उनसे जो भी हमें इनकम निकलती है उसे हम रेवेन्यू रिसीट्स में इंक्लूड करते हैं। अब इनके सोर्सेज क्या हैं कि जो रेवेन्यू रिसीट्स है वो कहाँ से हमें रिसीव होता है, फाइनेंशियल और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से। अब इनकी जो एग्जाम्पल क्या होगी वो ये होगी कि सेल ऑफ एनी फिक्स्ड एसेट्स या डिबेंचर रिडम्पशन, ऐसी कोई भी जो चीज़ होगी उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कैपिटल रिसीट्स में कहेंगे। यहाँ पे इशू ऑफ शेयर्स भी जो है वो कैपिटल रिसीट्स का पार्ट होगी। जो रेवेन्यू रिसीट्स होंगी वो क्या है, वो हम किसे कहते हैं, वो हम कहते हैं सेल्स को, डिस्काउंट फ्रॉम कस्टमर एक्सेट्रा। अब इसकी नेचर क्या होगी, ये कैपिटल रिसीट्स जो है ये नॉन रिकरिंग इन नेचर है, जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर था वैसे ही कैपिटल रिसीट्स भी नॉन रिकरिंग है, और जो रेवेन्यू रिसीट्स हैं वो रिकरिंग है नेचर में। अब कैपिटल रिसीट्स मस्ट क्रिएट लाइबिलिटी और लीड टू अ रिडक्शन इन द एसेट। अब जो कैपिटल रिसीट्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो एक लाइबिलिटी क्रिएट कर देती हैं, या जो एसेट होता है उसमें रिडक्शन ला देती हैं। जैसे कोई अगर हमने लैंड को सेल किया, कोई फिक्स्ड एसेट को सेल किया है, तो उससे क्या होगा, उससे हमारी जो कंपनी के बैलेंस शीट में जो लैंड होगी वो ऑब्वियसली कम हो जाएगी। और रेवेन्यू रिसीट्स में क्या होता है, रेवेन्यू रिसीट्स मस्ट नॉट रिड्यूस द एसेट और क्रिएट एनी न्यू लाइबिलिटी। अब जैसे कंपनी कोई सेल करती है तो इससे कंपनी की कोई भी लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होती है, ना ही कंपनी का कोई एसेट रिड्यूस होता है। ये कंपनी का डे टू डे नॉर्मल एक्टिविटी है और ये कंपनी का बिजनेस है, इसे हम रेवेन्यू रिसीट्स में ट्रीट करेंगे। अब इसका टर्म क्या होगा, जो कैपिटल रिसीट्स हैं वो लॉन्ग टर्म की हैं, रेवेन्यू रिसीट्स शॉर्ट टर्म की हैं। कैपिटल रिसीट्स आर नॉट यूज टू क्रिएट रिजर्व फंड, रेवेन्यू रिसीट्स कैन बी यूज टू क्रिएट रिजर्व फंड। अब जो भी रिजर्व फंड, जैसे
जो कंपनी रिजर्व में ट्रांसफर करती है पैसा, वो कैपिटल रिसीट से नहीं ट्रांसफर किया जाएगा, वो सिर्फ रेवेन्यू रिसीट से ट्रांसफर किया जाएगा। अब इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसी होती है, जो कैपिटल रिसीट्स होती हैं उन्हें हम कहाँ पे शो करते हैं, उन्हें हम बैलेंस शीट में शो करते हैं, और जो रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं उन्हें P&L अकाउंट में शो किया जाता है। कैपिटल रिसीट्स यूज टू मीट मोर कैपिटल एक्सपेंडिचर पे डेट्स बाय एसेट्स। पर्पज़ क्या है रेवेन्यू रिसीट्स का, टू मीट रेवेन्यू एक्सपेंस सच एज रेंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड सैलरी एक्सेट्रा। इसका P&L पे क्या इम्पैक्ट होगा, कैपिटल रिसीट्स डू नॉट हैव डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और रेवेन्यू रिसीट्स डायरेक्टली इम्पैक्ट करती हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। अब कैपिटल रिसीट्स को आइदर ड्रॉप द वैल्यू ऑफ द एसेट और रिड्यूस और राइज द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी। अब जैसे कंपनी इशू ऑफ शेयर करती है तो कंपनी के शेयर होल्डर्स के प्रति लाइबिलिटी हो जाती है, कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है तो कंपनी के शेयर होल्डर के प्रति जो है वो लाइबिलिटी जनरेट हो जाती है, लाइबिलिटी अराइज हो जाती है। और रेवेन्यू रिसीट्स का क्या है कि रेवेन्यू रिसीट्स हैव नो डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ एसेट और लाइबिलिटी। अब कोई भी सेल करने पे किसी एसेट या कोई लाइबिलिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब कैपिटल रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी के थ्रू हम क्लासीफाई कर पाते हैं कि कौन सी आइटम ट्रेडिंग में जाएगी और कौन सी आइटम बैलेंस शीट में जाएगी। अब इसके बाद मेन पढ़ लेते हैं, इसके बाद क्या है मेन, इनकम स्टेटमेंट। अब जो कंपनी इनकम स्टेटमेंट बनाती है उसके दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, सबसे पहला जो पार्ट होता है वो होता है ट्रेडिंग अकाउंट, और जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है P&L। अब ट्रेडिंग अकाउंट किसी भी कंपनी का पहला स्टेज है, पहला स्टेप है इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब ये क्या क्या रिकॉर्ड करता है, ये सिर्फ नेट सेल्स और जो डायरेक्ट कॉस्ट होती हैं गुड्स सोल्ड की उसे रिकॉर्ड करता है, और जो इसका बैलेंस होता है उससे हमें क्या पता लगता है, उससे हमें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जो कंपनी को इनकर हुआ हो उसे पता लगता है हमें। और जो ये इसका जो ट्रेडिंग अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो हम कहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं, जो इसका बैलेंस होता है वो हम ट्रांसफ़र करते हैं P&L स्टेटमेंट में। P&L स्टेटमेंट एक बहुत ही डिटेल्ड स्टेटमेंट होती है, इसमें हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को इंक्लूड करते हैं और जो कंपनी का नेट प्रॉफिट होता है उसे हम निकालते हैं। अब इसके बाद एक एग्जांपल देख लेते हैं, परफॉर्मा क्या होता है ट्रेडिंग अकाउंट का, जो फॉर्मेट होता है ट्रेडिंग अकाउंट का वो कुछ इस प्रकार होता है कि सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक, ये डेबिट साइड है और ये हमारी यहाँ पे क्रेडिट साइड है। यहाँ पे हमारा क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक आएगा, सेकंड नंबर पे हमारा आएगा परचेजेस, इसमें से हम माइनस का करेंगे परचेज रिटर्न, जो भी परचेज हमारी वापस हुई हो या हमने वापस की हो परचेज को, ये हमारी नेट परचेजेस आ गई। इसके बाद यहाँ पे हम, ये किसका पार्ट होता है, ये होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट हो गया वेजेस, कस्टम, कैरिज ड्यूटी, रॉयल्टी, मैन्युफैक्चरिंग, पैकिंग एक्सेट्रा। यहाँ पे हमारा ये टोटल आ गया, टोटल हमारा यहाँ पे ये रुपीज़ में आ गया, और यहाँ पे हमारी सेल्स हो गई, इसमें से हम सेल्स रिटर्न को माइनस करेंगे, ये हमारी नेट सेल्स आ गई, और यहाँ पे हमारा क्लोजिंग स्टॉक आएगा और ये हमारे यहाँ पे टोटल आ जाएगा। अब जो भी डिफरेंस होगा, अगर ये साइड ज़्यादा होगी, क्रेडिट साइड ज़्यादा होगी तो हमारे यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, अगर हमारी डेबिट साइड ज़्यादा होगी क्रेडिट साइड से तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा, ग्रॉस लॉस आएगा। और जो भी ये बैलेंस होगा ये हम कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, ये हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। अब इसके बाद एक एक करके इन आइटम्स को देख लेते हैं, जो डेबिट साइड पे आइटम्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला हमारे पास क्या है, सबसे पहला है हमारे पास ओपनिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक होता है कि हमारे पास जो पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक आएगा वो हमारे पास इस साल का क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक आएगा। ये जो एंट्री होती है ये हमें कहाँ पे मिलती है, ये ट्रायल बैलेंस में मिलती है, और ये ट्रेडिंग अकाउंट के सबसे पहले हम इसे लिखते हैं, जो ओपनिंग स्टॉक होगा वो हम सबसे पहले लिखेंगे। अब सेकंड नंबर पे हमारे पास क्या है, सेकंड पे हमारे पास है परचेजेस। परचेजेस बहुत ही सिंपल है, जैसे कंपनी ने अगर शूज़ के कारोबार में डील कर रही है तो अगर कंपनी शूज़ का कोई भी रॉ मटेरियल खरीदती है या शूज़ के रिलेटेड शूज़ खरीदती है तो वो उसकी गुड्स मानी जाएंगी और वो उसके कहाँ पे आएंगे, परचेजेस में आएंगे। अगर परचेज रिटर्न की हैं तो यहाँ पे हम लेस क्या कर देंगे, हम यहाँ पे परचेज रिटर्न को हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास नेट परचेजेस आ जाएगी। और नेट परचेज रिटर्न के अलावा हमें तीन और चीज़ों को हमें लेना पड़ता है अकाउंट में। सबसे पहली क्या है, गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज़, यानी जो ड्राइंग्स होती हैं वो हमें यहाँ पे इंक्लूड करनी पड़ती हैं। अगर सेकंड है हमारे पास गुड्स गिवन एज चैरिटी और गुड्स गिवन एज अ वे ऑफ सैंपल। इसके साथ साथ अगर हमारे जो गुड्स हैं वो कंसाइनमेंट में हैं
तो वो भी हमें परचेज में इंक्लूड करना पड़ता है। अगर हमने परचेज़ किया है प्लांट फर्नीचर स्टेशनरी को तो वो भी हमें सेपरेटली रिकॉर्ड करना पड़ता है। अगर हमारी जो गुड्स हैं वो परचेज की हुई हैं और वो ट्रांजिट में है, यानी वो अभी हमारे पास पहुँची नहीं है और हमारे पास पहुँचेंगी और अभी रास्ते में हैं, तो उन्हें भी हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारी परचेजेस में आती हैं। थर्ड नंबर भी हमारे पास क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो क्या होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मीनिंग होता है कि जैसे हमने परचेज की और जब तक जो गुड्स हैं वो प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ सेल पे नहीं आई हैं, या हमारी जो फैक्ट्री है और जो रास्ते में जो हमारे जो एक्सपेंसेस जो इनकर होते हैं, जब तक हमारी जो सेल्स तक वो चीज़ें नहीं पहुँचती हैं, तो उन्हें हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस में इंक्लूड करते हैं। इसकी एग्जांपल क्या होगी, कैरेज हो गया, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस हो गई, पावर एंड फ्यूल हो गया, फैक्ट्री एंड लाइटनिंग हो गई, फैक्ट्री रेंट एंड टैक्स हो गया, ड्यूटी ऑन परचेजेस हो गया, रॉयल्टीज हो गया, एक्सेट्रा। ये हमारे कहाँ पे किसका पार्ट होती हैं, ये हमारी डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट होती हैं। अब इसके बाद जो आइटम्स होती हैं क्रेडिट साइड पे, जो दूसरे साइड पे जो आइटम्स होती हैं, सबसे पहली आइटम क्या होती है हमारे पास, सबसे पहली आइटम होती है सेल्स। और जो सेल्स होती हैं वो हमारी जो हमने गुड्स को सेल किया है कस्टमर्स को, वो हमारी सेल्स को हम इंक्लूड करते हैं। अब सेल्स में अगर आपने फिक्स्ड एसेट बेचा है तो वो सेल का पार्ट नहीं होगा, क्योंकि वो हमारी जो उसमें हम रेगुलरली डील नहीं करते हैं, वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। हम सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को इसमें इंक्लूड करते हैं। तो तभी मैंने कहा था कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं अगर आपने ट्रेडिंग अकाउंट को पढ़ना है या पी एंड एल स्टेटमेंट को पढ़ना है या बैलेंस शीट को थरली डिस्कस करना है। और सेल्स रिटर्न क्या होती है, अगर कस्टमर ने हमारा माल वापस किया है तो उसे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे नेट सेल्स आ जाएगा। सेकंड नंबर पे हमारे पास क्या आता है, क्लोजिंग स्टॉक आता है। अब क्लोजिंग स्टॉक क्या है कि जो आखिर में हमारे पास गुड्स बच जाती हैं, जो हमारे पास रॉ मटेरियल बच जाता है, सेमी फिनिश्ड गुड्स बच जाते हैं, फिनिश्ड गुड्स बच जाते हैं, जो साल के एंड तक जो सेल नहीं हो पाते हैं, उन्हें हम कहाँ पे लेते हैं, उन्हें हम लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक में। क्रेडिट साइड में सिर्फ ये दो तीन आइटम्स आती हैं, आपको इसे याद रखना है। डेबिट साइड में ये आइटम्स आती हैं। जब भी हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा आता है तो वो हमारा क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट होता है। अगर डेबिट साइड का बैलेंस ज़्यादा आता है तो वो हमारा क्या होता है, ग्रॉस लॉस होता है। अब जो भी आपके पास बैलेंस आएगा, जो भी आपके पास नेट में रिजल्ट आएगा, उसे आप कहाँ पे लेके जाओगे, उसे आप लेके जाओगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप इसे कैरी फॉरवर्ड करोगे और उसके बाद आप वहाँ पे अपना साल का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी कंपनी को हुआ है उसे आप कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं। अब अगर इसकी एक एग्जांपल लेते हैं, साल में सपोज़ कीजिए कि 20,000 की सेल्स हुई है, साल में हमारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक है वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास 10,000 का है। हमने परचेज़ की है 5,000 की, हमारे जो एक्सपेंसेस इनकर हुए हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो हैं हमारे पास 1,000 के, और जो हमारे पास जो परचेज रिटर्न है वो कितनी है, 1,000 रुपीज़ की हमारे पास परचेज रिटर्न्स हैं। तो हम ये क्या लिखेंगे, अगर ये हमारा, ये आ गया आपका डेबिट साइड और ये आ गया आपका क्रेडिट साइड, यहाँ पे आ गया आपका सेल्स, 20,000 की आपकी सेल्स हो गई, यहाँ पे आपका क्लोजिंग स्टॉक आ गया 10,000 का, परचेज यहाँ पे आ गई 5,000 की, और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे -1,000, तो यहाँ पे 4,000 आ गया, और यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने के आ गए, 1,000 के। अब यहाँ पे टोटल कितना है, 30,000 का, और यहाँ पे टोटल कितना है, 5,000 का। तो हमारे पास जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा वो किसके इक्वल आएगा, 30,000 -5,000, सो 25,000 का हमारे पास जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा वो उसके इक्वल आएगा। अब इसे हम क्या करेंगे, इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। यहाँ पे आप ओपनिंग स्टॉक भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने ओपनिंग स्टॉक को निल माना है, ज़ीरो माना है। तो ये था आपका ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। ट्रेडिंग अकाउंट बहुत ही सिंपल है, ये दो तीन स्टेप्स ही हैं इसके, आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था, आप TS गरेवाल की +1 की और +2 की बुक ले सकते हैं, वहाँ से आपको जो है काफ़ी अच्छा मटेरियल मिल जाएगा, आपकी रिविज़न जो है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। आप इन वीडियोज़ को भी देखिए, और उसके बाद जो आपके जो क्वेरीज होती हैं वो आप कमेंट सेक्शन में भी हमें लिख सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और अगर आपको बुक ख़रीदनी है तो आप किसी भी नियर बाय स्टोर में जाके जो TS गरेवाल की बुक है अकाउंटेंसी की +1 +2 की, उसे आप परचेज़ कर सकते हैं, आपके काफ़ी डाउट्स उसमें भी क्लियर हो जाएंगे। आप इस वीडियो को भी देखिए, आपके काफ़ी डाउट्स उसमें भी क्लियर हो जाएंगे।
अब नेक्स्ट वीडियो में हम इनकम स्टेटमेंट के सेकंड कंपोनेंट को पढ़ेंगे, P&L स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लास्ट में बैलेंस शीट को पढ़ेंगे। तो हमारा ये जो फाइनल अकाउंट का जो पोर्शन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना मैनेजमेंट अकाउंटिंग को स्टार्ट करेंगे और लास्ट में हम कॉस्ट अकाउंटिंग को पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल सिविल्स नोटबुक। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।